दिल्ली प्रगति मैदान भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर शुरू हलो G20 सम्मेलन प्रथमवार भारत ए आंतर्जातिक इवेंटर आयोजक प्रथम पर्याय आलोचनार विषय हलो वन आर्थ और एरपर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जापान प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा जर्मन चांसलर उल्फ स्कॉल्जर संगे बैठक करबें नरेंद्र मोदी द्विपाक्षिक बैठक है इटाली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी संगे द्वितीय पर्याय आलोचनार विषय है वन फैमिली G20 शीर्ष सम्मेलन सबाई के स्वागत जानालेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन आगे मार्किन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के स्वागत जानान मोदी दीर्घ समय धरे बाइडेन के कोणारक सूर्य मंदिर जाकार महत्व बोझान तिनी प्रश्न अभ्यर्थना जानालेन ब्रिटिश प्रधानमंत्री और बांग्लादेशेर प्रधानमंत्री के आलोचना शेषे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूर आमंत्रणे आज नैशभोजे जोग देवें राष्ट्रनेतारा नैशभोजे आमंत्रण जानानो हयेछे प्राक्तन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नैशभोजे जोग दिते दिल्ली गेछेन মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ভারত মণ্ডপমে স্বাগত জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানালেন তিনি সুনাককে আলিঙ্গন করলেন নরেন্দ্র মোদী यहाँ पर आए हैं और जाहिर सी बात है कि वो जो स्पेशल बॉन्डिंग है ओरिजिन की वो दिखाई देगी और सबसे बेहतरीन बात ये है कि ऋषि सुनक भी बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं अब मैं यूके में जिस तरह से कई बार एक देखा जाता है कि इंडिया को एक ब्राउन या फिर डेवलपिंग कंट्री के तौर पर ऋषि सुनक अपने ओरिजिन को लेकर इंडिया को लेकर बिल्कुल नहीं कतराते हैं सम्मेलन आगे मार्किन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के स्वागत जानान नरेंद्र मोदी दीर्घ समय धरे बाइडेन के कोणारक सूर्य मंदिर चाकार महत्व बोझान नरेंद्र मोदी मोदी ने जो बाइडेन को ही बाकी राष्ट्रप्रमुख भी पहुंचे उनसे उनकी बातचीत हो रही थी लेकिन वो जो तस्वीरें जब दिखा रहे थे उसका उल्लेख कर रहे थे बता रहे थे वो कोणार्क बिल के बारे में तो वो सिर्फ जो बाइडेन को बताते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी और देखिए महत्वपूर्ण ये भी है ना कि कोणार्क बिल जिसके बारे में हम लोग दर्शकों को बता रहे थे उसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन को ही दी बाकी राष्ट्रप्रमुख भी पहुंचे उनसे उनकी बातचीत हो रही थी लेकिन वो जो तस्वीरें जब दिखा रहे थे उसका उल्लेख कर रहे थे बता रहे थे वो कोणार्क बिल के बारे में भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें